नमस्ते एसडी किचन एंड इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अलसी के लड्डू की रेसिपी बताऊंगी। अलसी के लड्डू बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं, तो इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। अलसी के लड्डू खाने से न सिर्फ वजन घटता है बल्कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। और इस लड्डू को मैंने बिना चीनी के बनाया है, तो बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के तैयार होता है। और बहुत ही आसान तरीका मैंने इस लड्डू को बनाने का बताया है, तो चलिए बनाते हैं अलसी के इस लड्डू को। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। तो यहाँ पे मैंने एक कप अलसी लिया है, आप किसी कटोरी से नाप के ले सकते हैं। अब हमें अलसी को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। अलसी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि अलसी में से चटचटाहट की आवाज़ ना आने लगे, तब तक हमें अलसी को भून लेना है। अलसी खाने के अनगिनत फायदे हैं। अलसी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अलसी के बीज खाने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करता है। अलसी खाने से स्किन में ग्लो आता है और शरीर को अलसी गर्म रखता है, तो सर्दियों में इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यहाँ अलसी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और अलसी में से चटचटाहट की आवाज़ भी आने लगी है। और अलसी हमारा यहाँ भून के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और अलसी को ठंडा करके मिक्सर जार में पीस के इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और अब हमें घी को मेल्ट कर लेना है। घी मेल्ट हो गया है और अब हमें घी में भून लेना है गोंद। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है, यानी 4 से 5 चम्मच गोंद है और गोंद को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है। गोंद अच्छे से फूल जाए तब तक हमें गोंद को भून लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंद हमारा फूल चुका है, यानी गोंद हमारा अच्छे से भून गया है। और अब हमें गोंद को निकाल लेना है प्लेट में। अब इसी घी में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 बादाम लिया है और 15 से 20 काजू। और काजू और बादाम को हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। जब ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रंची हो जाते हैं तो लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हमें भूनना है। काजू और बादाम का जब कलर हल्का सा चेंज होने लगे, इसी के साथ हम भून लेंगे किशमिश। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच किशमिश लिया है। काजू बादाम के साथ किशमिश को भी हम भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू किशमिश और बादाम का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, किशमिश फूल चुका है, यानी ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे। अब फिर से कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें भुनेंगे आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, 1 कप मैंने अलसी लिया था, अब 2 कप मैं आटा लूँगी और इसे हमें भून लेना है। अब आटे को हमें लो फ्लेम पे अच्छी खुशबू आने तक और आटे का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब तक हमें आटे को भून लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आटे को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। 6 से 7 मिनट में आटा हमारा भून के तैयार हो जाता है। आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, आटे का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। और अब मैं आटे के साथ ही भून लूंगी 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 से 1 मिनट के लिए हम आटे के साथ नारियल को भी भून लेंगे। 1/2 मिनट के बाद नारियल और आटे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यानी आटा हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे, आटे को निकाल लेंगे प्लेट में और आटे को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और अब हमें लेना है 2 कप गुड़ और यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी डालूंगी और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ में एक उबाल आने देंगे। चाशनी में उबाल आ चुका है और अब हम चाशनी को 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे।
दो मिनट के बाद चाशनी में हमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच सौंठ पाउडर। यहाँ पे आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सौंठ पाउडर को चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे। सौंठ को चाशनी में अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हम चाशनी को चेक कर लेंगे। सिर्फ हमें चाशनी को चिपचिपा ही बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी हमारी चिपचिपी बन गई है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो लड्डू हार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे चाशनी हमारा बन के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब हमें चाशनी में डाल देना है पिसा हुआ अलसी और भुना हुआ आटा। और अब डालेंगे गोंद। गोंद को मैंने दरदरा कूट लिया है और किशमिश डाल देना है। और यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को दरदरा कूट लिया है, इसे भी डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हमें उतना ही करना है कि जितना हाथ में लेके हम लड्डू बांध सकें उतना ही ठंडा करेंगे, फिर हम लड्डू बनाएंगे। अब मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है और अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और लड्डू बांध लेंगे। जितना बड़ा या छोटा आपको लड्डू बनाना है उस हिसाब से मिक्सचर में से ले लीजिए और लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड्डू हमारा बन चुका है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाता है और बाकी के लड्डू को भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। जब भी हाथ में चिपकने लगे तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के फिर से लड्डू बांध लीजिए। और ये हमारा शुगर फ्री बहुत ही हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो चुका है। आप भी इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।